अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में एक ऐसा वीजा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी बेस पे आप इजीली यूके ट्रैवल करके आ सकते हैं। इस वीजा को हासिल करने के लिए ना कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है जिनको आप पूरा ना कर सके, इसके लिए ना आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चाहिए ना आर्ट्स चाहिए, और बहुत ही कम पैसों में आप ये वीजा हासिल कर पाएंगे। दोस्तों यूके के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जरूरी है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो तरफ, देखते हैं कि ये वीजा कौन सा है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और आपको इसके लिए किन किन मराइल से गुजरना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वीजा टाइप है कौन सी। यूके गवर्नमेंट ने बहुत ही जबरदस्त वीजा कैटेगरी लॉन्च की है जिसको शॉर्ट टर्म वीजा कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म वीजा 6 मंथ से लेकर 11 मंथ तक हो सकता है। अगर आप यूके जाना चाहते हैं और आप इस हवाले से घबराते हैं कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीजा आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होने वाला है जिसमें आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लेके यूके में ट्रेवल करके आ सकते हैं। लंदन में बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो आप में से कोई भी कोर्स से चूज करके आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। इस वीजा के लिए कोई इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, अगर आपने मैट्रिक या इंटर भी किया हुआ है तब भी आप इस वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसा कि आपको पता है कि इसके लिए कोई ऐसा जो आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपने सिर्फ मैट्रिक के डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने, अगर आपने एफए किया हुआ तो वो डॉक्यूमेंट साथ अटैच होंगे और आप वीजा के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीट होने के बाद आपको ऑफर लेटर इशू किया जाएगा। ऑफर लेटर में आपकी कोई कंडीशन होगी फीस वाली या कोई उसके अलावा और कोई कंडीशन होगी, आप उसको फुलफिल करेंगे, तो फीस पे करने के बाद आपको कैश लेटर इशू किया जाएगा जिसकी बेस पे आप इजीली अपना वीजा अप्लाई कर सकेंगे। अगर हमें फीस की बात करें तो उसकी फीस भी बहुत ही कम है, जिसमें आपको 4000 से लेकर 7000 पाउंड तक पे करना पड़ सकती है। ऑल डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स लेते हैं या लोकेशन क्या है, इसमें मैक्सिमम कॉस्ट आपकी 4000 पाउंड से लेकर 7000 पाउंड तक हो सकती है। अगर इसके रिस्ट्रिक्शन के हवाले से बात की जाए तो ये वीजा कन्वर्टेबल नहीं है और ना इस वीजा पे आपको वर्क अलाउड है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन है यूके शॉर्ट टर्म वीजा के वाले से। आप अगर आप यूके आने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल कीजिएगा। अगर आप दोस्तों में से कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे वीडियो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।